तो आज के स्मैकडाउन के ऊपर वो सब कुछ हो चुका है जो कि एग्जैक्टली हम लोग को चाहिए था, जो कि एक्सपेक्टेड था एग्जैक्टली। और WWE का क्या आगे का प्लान है सारा कुछ रिवील हो चुका है आज की वीडियो में, चलिए हम जानते हैं। तो होता क्या है, जैसे हम लोग हर बार मंडे नाइट रॉ का शो का स्टार्टिंग देखते हैं, हम लोग उसी तरह आज का स्मैकडाउन का भी शो का स्टार्टिंग होता है। ब्लडलाइन यहां पर आती है, सबसे पहले लॉन्सर टेबल वगैरह तोड़ना फोड़ना शुरू कर देते हैं जैसा उन्होंने मंडे नाइट रॉ के ऊपर किया था। तभी उसके बाद थीम सॉन्ग प्ले होता है हमारे रोमन रेंज का, रोमन रेंज शो के स्टार्टिंग में हमें दिख जाता है। भाई मैं तो यहीं से एक्सपेक्ट कर लिया था कि शायद कुछ तो मिर्ची मसाला होने वाला आज के शो के। और भाई ये सोलो सिकोवा का सीन तो मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चलता, ये कभी एक्नॉलेज करते हैं कभी एक्नॉलेज नहीं करते हैं रोमन रेंज को, पता नहीं WWE वाले क्या स्टोरी लाइन इनका दिखाने वाले। रोमन रेंज सबसे पहले रिंग के अंदर आते हैं, उसके बाद सबसे पहले पता आप लोगों को सबसे पहला काम वो क्या करवाते हैं, सारे लोग को सबसे पहले एक्नॉलेज करवाते हैं। जैसे ये चीज खत्म होता है ऑडियंस चिल्लाना शुरू कर देती है उसी 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 उसी, और यहाँ पर सैमी उसो मतलब सैमी जेन का यहाँ चैंट करना शुरू कर देती है ऑडियंस यहाँ। उसके बाद फाइनली रोमन रेंज माइक पकड़ते हैं, रोमन रेंज बोलते हैं चलो आज का शो का स्टार्टिंग हमें सैमी जेन के तरफ से देखने को मिलेगा। और उसके बाद रोमन रेंज बोलते हैं सैमी जेन बोलो तुम आज पूरे साल के अंदर हम लोग क्या करने वाले। सैमी जेन उसके बाद पूरे चौड़ में आते हैं, सैमी जेन बोलते हैं जैसा हम लोगों ने मंडे नाइट रॉ का स्टार्टिंग किया, जैसे हम लोगों ने स्मैकडाउन का स्टार्टिंग किया, वैसे ही पूरे साल हम लोग करने वाले। जो तुम लोगों ने नहीं देखा इस साल के स्टार्टिंग में हम लोगों ने कैसे मैच जीता, सबसे पहले सोलो सिकोवा का मैच हुआ रॉ के ऊपर, सोलो सिकोवा जीता, उसके बाद उसोस का मैच हुआ, उसोस भी जीता मंडे नाइट रॉ के ऊपर, और सेम उसी तरह से विक्ट्री हम लोग पूरे साल लेने वाले। फिर उसके बाद माइक आता है हमारे ट्रैवल चीफ रोमन रेंज के बारे में, रोमन रेंज बोलते हैं सैमी जेन से भाई मैं इस साल का नहीं बात कर रहा हूँ, मैं पिछले साल का बात कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ पिछले स्मैकडाउन के ऊपर, जिस स्मैकडाउन के ऊपर हम लोगों ने मैच हारा, और मैच मैं नहीं हारा हूँ सैमी जेन तुम हारे हो। यहाँ पर रोमन रेंज सीधे तरीके से यहाँ पर सैमी जेन को पॉइंट करते हैं, सैमी जेन का फेस का एक्सप्रेशन आप साफ तरीके से यहाँ पर देख भी सकते। रोमन रेंज बोलते हैं मेरा फ्लोर पर शोल्डर नहीं टच था, सैमी जेन का टच था, सैमी जेन पिन हुआ, सैमी जेन ये मैच को हारा है। पर मेरा सवाल ये है सैमी जेन तुमसे, तुम मैच हारे क्यों, तुम हमेशा से रोमन रेंज क्यों बनना चाहते हो, जो तुम्हें लगता है कि तुम सच में रोमन रेंज बन भी सकते हो। बहुत ज्यादा यहाँ पर डांटना शुरू कर देते हैं रोमन रेंज यहाँ पर सैमी जेन, और जैसा कि मैंने आपको बताया था कुछ टाइम पहले वीडियो के अंदर एज एक्सपेक्टेड यहाँ पर सैमी जेन को बचाएंगे हमारे केविन ओवंस। केविन ओवंस का यहाँ पर इंटरेस्ट होता है, केविन ओवंस माइक पकड़ते हैं, उसके बाद बोलते हैं देख रोमन मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है, जो मुझे तुमसे एक मैच चाहिए रॉयल रंबल के अंदर। आई थिंक ये बात भी सबको पता ही था इन दोनों का मैच होने वाला रॉयल रंबल के अंदर, तो फाइनली आज कंफर्म ही हो गया ये सेगमेंट। उसके बाद केविन ओवंस यहाँ पर सैमी जेन का सपोर्ट करते हैं, सैमी जेन के बारे में ये बोलते हैं भाई तुम सैमी जेन की वजह से नहीं हारे हो मैच, उस मैच के अंदर मैं था इसलिए तुम मैच हारे हो। और इसी तरह से फाइनली आज का मंडे नाइट रॉ का स्टार्टिंग वाला सेगमेंट एक खत्म हो गया। इंटरेस्टिंग ये था आज के स्मैकडाउन के ऊपर कि अभी मुझे पर्सनली नहीं लगा था कि अभी रोमन रेंज हिल टर्न कर जाएंगे अभी सैमी जेन के ऊपर, पर भाई फाइनली आज के स्मैकडाउन के ऊपर हिल टर्न करना शुरू कर दिया रोमन रेंज सैमी जेन के ऊपर। रोमन रेंज के नजर में आ चुके यहाँ पर सैमी जेन, रोमन रेंज को पता कि मेरा सारा हाईलाइट यहाँ पर सैमी जेन लेने का कोशिश कर रहा है, रोमन रेंज से ज्यादा लोग सैमी जेन को पसंद कर रहा है। फाइनली शायद से इसके बाद जो कि मैं आपको कई बार बता चुका हूँ शायद रॉयल रंबल के अंदर हमें सैमी जेन का हिल टर्न देखने को मिल सकता है, क्योंकि भाई आज के स्मैकडाउन के ऊपर सैमी जेन को भी पता चल चुका है कि मैं सेफ नहीं हूँ, मैं केविन ओवंस के साथ ही सेफ। वैसे आज का स्टार्टिंग वाला ब्लडलाइन का ये सेगमेंट आपको कैसा लगा सारे लोग कमेंट सेक्शन में बताएगा, सारे लोग सब्सक्राइब जरूर से चैनल को कर दिए क्योंकि सबसे पहले यूट्यूब के ऊपर हमारे चैनल के ऊपर आपको अपडेट देखने को मिलता है। अगर इसके बाद आपको ये देखना है रॉयल रंबल के अंदर कौन कौन सा मैच होने वाला है एग्जैक्टली, तो उसका मैंने लिस्ट बना दिया आपको जाकर मिल जाएगा इसके बाद वीडियो। और हाँ आगे फ्यूचर में क्या ब्लडलाइन का प्लान हो सकता है आप लोग सारे लोग कमेंट सेक्शन में अपना राय दे सकते हैं, सारे लोग सब्सक्राइब जरूर से।